क्लास में क्या सब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब के बारे में हमने बात कर ली थी क्या बेटा? कर ली थी ना? तो आज हम बात करते हैं थोड़ी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, है ना? देखो क्या है यहाँ पे डेफिनेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है बेटा, कि अगर कोई भी एनर्जी, जैसे हमने बोला, मैंने आपको बोला कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है बेटा, अगर मैं ये चीज समझने की कोशिश अगर हम करें कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी आखिर होती क्या है, तो हम ये कहते हैं कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज हो रही है, ठीक है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज हो रही है, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जैसे जैसे इसका इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, तो जैसे मान लो कि मैंने क्या करा कि ये देखो, सोचो कि ये एक बिल्डिंग है बेटा, ठीक है। मान लो कि ये एक बिल्डिंग है, देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। मान लो कि ये एनर्जी है, ठीक है, और मैंने क्या करा कि मैंने यहां से एक बॉल को पहले ये बॉल मान लो ग्राउंड पर रखी थी, ठीक है, फिर ग्राउंड से मैंने इसे ऊपर ऊपर करके इसे यहाँ कहीं छत पे रख दिया, ठीक है। तो छत पे रख दिया मतलब अब इसके पास कौन सी एनर्जी है बेटा, अगर इस बॉल की बात करूं मैं और मैं कहूँ कि इस बिल्डिंग की हाइट एच है, तो इस बॉल के पास कौन सी एनर्जी है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी है ना, कितनी है बताओ मुझे, MgH है क्या? बताओ बेटा, जानते हैं हम, अगर इसका मास m हो गया तो ये MgH हो जाएगी ना बेटा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ मुझे, है ना या नहीं होगी? बिल्कुल होगी पोटेंशियल एनर्जी। मैंने इसे यहां से छोड़ दिया, मान लो कि मैंने इसे क्या करा, यहां से गिरा दिया, नीचे गिरा दिया, तो क्या होगा बेटा, अब ये नीचे आएगा। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं कि जब ये बिल्कुल ग्राउंड पर जस्ट पहुंचने वाला है ना, मतलब ग्राउंड को टच करने ही वाला है, तो उस टाइम पर मैं कह सकता हूं ना कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गई, लेकिन क्या इस बॉल के पास कुछ वेलोसिटी होगी? और ये हम निकाल सकते हैं क्या? कैसे निकाल सकते हैं बेटा? इक्वेशन ऑफ मोशन से, कैसे? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2gh हो जाएगी क्या, रूट अंडर, क्योंकि यू तो जीरो है इस जगह पे, इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी है बेटा, जीरो है, ये हम जानते हैं, ये सारी चीजें है ना, हम पढ़ चुके हैं बेटा पहले, कि अगर हम बॉल को किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी मैंने बोली यहां पर MgH, जब ये बॉडी यहां नीचे गिरी तो इसके पास वेलोसिटी आ गई √2gh, इसके पास वेलोसिटी क्या आ गई बेटा, √2gh। तो अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालूं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी लिखूंगा बताओ, हाफ एमवी स्क्वायर लिखूंगा ना, तो हाफ एमवी स्क्वायर लिखूंगा तो कितना आएगा बताना, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 2gh हो जाएगा क्या? तो ये 2 और ये 2 निपट गया, तो क्या बन गया हमारे पास बताओ, क्या बन गया बेटा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू MgH बन गई क्या वापस से। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी थी कितनी, MgH, काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो अगर मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो ये तो जीरो होगी ना बेटा, ये हम जानते हैं ना, अगर वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी MgH और काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। यहां जब ये नीचे बिल्कुल ग्राउंड को जस्ट टच करने वाला है ना, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा, निकाल लिया हमने, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई MgH, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, जीरो, है ना। तो मतलब मैं कह सकता हूँ क्या बेटा, कि जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर MgH थी, वो क्या कंप्लीटली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, कह सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर भी एनर्जी MgH थी, यहाँ पर भी एनर्जी MgH है ना, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी MgH है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी MgH थी, तो मैं कह सकता हूँ ना कि एनर्जी जो है वो पूरी पूरी कन्वर्ट हो गई इसमें। तो इसे ही हम कहते हैं बेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, है ना, कि अगर बॉडी की एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अगर चेंज हो रही है, अगर किसी बॉडी की एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब हुआ बेटा, क्या मतलब हुआ, कन्वर्जन, किसका कन्वर्जन बेटा, एनर्जी का, किसका कन्वर्जन, एनर्जी का कन्वर्जन, कहाँ, कैसे, वन फॉर्म टू अदर, मतलब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में अगर बॉडी की एनर्जी बदल जा रही है, अगर बॉडी की एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है, अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जा रही है एनर्जी, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पर वही हो रहा है ना, कि जो बॉडी की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है वो MgH है, और फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी है वो MgH है। तो मैं कह सकता हूँ ना कि पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई एनर्जी बॉडी की, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, हुआ क्या है यहाँ पर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हुई है, ठीक है। अब इसमें बेटा देखो, अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी दे रखी है अपने को यहाँ, ठीक है, कुछ है नहीं, नॉर्मल सी चीज है,
है ना, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये छोटी चीज है, ये चीज आप क्या करो बेटा, पढ़ लेना बस, ठीक है, और कुछ है नहीं खास, बस नॉर्मल है कि एक एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में अगर चेंज हो जाती है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं, ये बात सबको समझ आ रही है, बताओ बेटा, हैंड रेस करके बताओ मुझे, सारे लोग जितने भी लोग हैं क्लास में, बहुत अच्छे, ओके, ठीक है बेटा, बहुत अच्छे, जल्दी जल्दी हैंड रेस करो, जल्दी से करो बेटा, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे, और लोग जल्दी से हैंड रेस करो बेटा, ठीक है, ओके, चलो, हाँ बेटा, तो ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं ना। अब देखो बेटा, थोड़ी सी बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, इसके बारे में बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हमें एनर्जी ये कहती है कि एनर्जी जो है वो ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब अगर आप एनर्जी की बात करो तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब एनर्जी जो है बेटा उसे हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यही है हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और हमें ये कहता है कि हम कर क्या सकते हैं सिर्फ, तो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इसको, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं एनर्जी को, हम क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते बेटा, ये चीज बहुत जरूरी है ना, हम हमें सबको ध्यान में रखनी पड़ेगी ये चीज बेटा, कि एनर्जी को हम ना ही क्या कर सकते हैं, ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं बेटा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ चेंज कर सकते हैं ना, और हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है बेटा, और हम कुछ भी नहीं कर सकते, एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस कर क्या सकते हैं, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसे बदल सकते हैं, ठीक, ये है हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, अब इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में बेटा एक और चीज होती है कि हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, सुनना मेरी बात ध्यान से, एक नई चीज होती है बेटा जिसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कि मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है बेटा बॉडी की, वो क्या होती है, कंजर्व रहती है, कब कब कंजर्व रहती है, जब एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, शून्य, एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो होगा तो हम क्या कहेंगे कि बॉडी की जो एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, वो क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है, क्या कहोगे बेटा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहती है अपने को, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन हमें क्या कहता है कि अगर बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो जो मैकेनिकल एनर्जी है ना, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होगी वो क्या रहेगी बेटा, कॉन्स्टेंट रहेगी, क्या बोला मैंने, कि अगर बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो। इसका मतलब क्या हुआ यार, क्या मतलब हुआ इस बात का कि मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो बेटा एक बात और, टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमने बात करी थी क्या पिछली क्लास में, क्या होती है, करी थी क्या बेटा, बिल्कुल करी थी, क्या होती है टोटल मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी को हम बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ई से, अब देखो इसे लिख लेते हैं कि ये क्या है, ये क्या है बेटा, इसे हम कहते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कैपिटल ई से, है ना, कैपिटल ई से, यू क्या है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी है यू, पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बताया आपको पिछली क्लास में, है ना, कि पोटेंशियल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, यू से, और काइनेटिक एनर्जी को किससे करते हैं, के से, है ना, काइनेटिक एनर्जी को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं और यू को, और पोटेंशियल एनर्जी को यू से, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी को किससे बेटा, कैपिटल ई से, तो हमने ये बोला यार कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमें क्या कहता है बेटा, कि अगर किसी भी सिस्टम के ऊपर, अगर किसी भी सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा, अगर किसी सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा तो हम कहेंगे कि भैया जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो बॉडी की, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो
तो यार टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, है ना। तो ये कहता है अपने को कंजर्व रहेगी। ठीक, इसका एग्जांपल देखते हैं बेटा, एक छोटा सा, देखो ध्यान से, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं बेटा इसका, ध्यान से सुनना और देखना मेरी बात, मतलब ध्यान से देखना और सुनना मेरी बात, है ना। देखो क्या है, मान लो मैंने तुम्हें बोला कि एक बॉडी को मैं यहाँ से ऐसे करके ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। इनिशियली मैं यहाँ पर एक बॉडी है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगने का क्या मतलब, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। मैंने क्या किया, बस थोड़ा ऊपर गया मैं, एच हाइट पर गया मैं, और मैंने क्या किया, बॉडी को यहां से ऐसे ड्रॉप कर दिया। तो ड्रॉप करने पर क्या होगा बेटा, धीरे धीरे जैसे मैंने बोला आपको कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इसकी कांस्टेंट रहेगी, तो इस जगह पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटा, अगर मैं इस जगह की बात करूं तो इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बताओ मुझे, MgH। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है। अब हमने इसे क्या करा, छोड़ दिया बेटा, ठीक है, इसे क्या करा, नीचे गिरा दिया। तो नीचे गिराने पर क्या हुआ कि बीच में कोई ऐसी जगह होगी, फिर ये जो सबसे नीचे आ जाएगा, तो सबसे नीचे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो होगी ना बेटा। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, MgH होगी, है ना। काइनेटिक एनर्जी MgH होगी बिल्कुल, जब ये नीचे पहुंचने ही वाला होगा जस्ट। तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी MgH है, ठीक है। और ग्राउंड से एक्स हाइट पर मैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी निकालता हूँ, ठीक है, और देखते हैं कि क्या हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, मतलब क्या हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो एक बार इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं बेटा, मतलब इस जगह एक्स, ग्राउंड से एक्स ऊपर निकालते हैं, तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी बताओ मुझे, अगर ग्राउंड से ये वाली हाइट एच है तो ये कितनी हो जाएगी, एच माइनस एक्स, अगर ये एक्स है तो, है ना। तो अगर इस पॉइंट की बात करूं मैं बेटा, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बताना, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बताओ मुझे सभी लोग, कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, MgX, MgX पोटेंशियल एनर्जी होगी। और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि इस बॉडी की वेलोसिटी जो है वो v है, कितनी है बेटा v, तो v की वैल्यू निकाल लेते हैं कैसे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh से निकालते हैं यार, है ना। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, देखो u तो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और 2 × g हाइट कितनी होगी बताओ, ये बॉडी कितना नीचे गिर रही है बेटा, एच माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाए आ गई एच माइनस एक्स, ठीक है। अब एक बार काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर होगी, क्या हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2g × h − x, लिख लेते हैं 2g × h − x। तो यहाँ से 2 और 2 निपट गया, क्या बचा बेटा हमारे पास बताओ मुझे, Mg × h − x, ये क्या हो गया हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी हो गई, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, MgX। तो अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी मैं निकालना चाहता हूँ तो क्या लिखूंगा बताना मुझे, क्या लिखूंगा, सॉरी पोटेंशियल, हाँ टोटल मैकेनिकल एनर्जी अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो क्या लिखूंगा बताओ मुझे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, देखो MgX है क्या, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा, Mg × h − x है क्या। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो MgX प्लस MgH माइनस MgX, तो देखो ये MgX MgX निपट गया, तो हमारे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ गई यार, MgH आ गई, क्या बात है, हमारे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ गई बेटा, MgH आ गई। तो मतलब इस पॉइंट पर मैं कह सकता हूँ कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी MgH ही है। ऊपर क्या है टोटल मैकेनिकल एनर्जी, यू प्लस के, यू कितना MgH, के जीरो तो MgH, नीचे कितना यू जीरो के MgH तो MgH, यहाँ पर यू कितना बेटा, यहाँ पर इस जगह पे यू कितना बताओ मुझे, यू हमारे पास आ गई है MgX, अच्छा। और काइनेटिक एनर्जी कितनी आई बेटा, Mg × h − x। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि ग्राउंड से किसी भी एक्स हाइट पर अगर मैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालूं तो मेरे पास MgH ही आ रहा है। ये एक्स तो वेरिएबल लिया था ना बेटा मैंने, ऐसा थोड़ी है कि मैंने एक्स को कुछ फिक्स दे लिया। अब एक्स की वैल्यू तो तुम कुछ भी रख लो, h/2 रख लो, h/3 रख लो, h/4 रख लो, h/5 रख लो, कुछ भी रख लो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी आएगी बेटा, MgH आएगी, क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या एक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है बताओ मुझे, नहीं कर रही ना, ये तो सीधा MgX और MgH कट जा रहा है ना, तो बच क्या रहा है, MgH ही बच रहा है सिर्फ, है ना। तो यहां पर मैं कह सकता हूँ क्या बेटा कि जो इनिशियली जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वही कहीं बीच में भी और वही फाइनली भी है। तो मैंने यहाँ बोल दिया कि जो बॉडी की मैकेनिकल टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या रहेगी बेटा, यहाँ पर कंजर्व रहेगी, क्या रहेगी, बॉडी की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो एक ये चीज अपने को ध्यान रखनी होती है कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो ना सिस्टम पे, मतलब अगर मैंने बोला आपको कि अगर मैंने आपको बोला कि इफ एफ एक्सटर्नल बराबर जीरो, तो हम क्या बोलेंगे बेटा कि यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल,
ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। ये भी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का एक क्या है बेटा, फॉर्मूला है ना, कई बार अपने को यूज कर लेना पड़ता है। ठीक है बेटा, समझ आ रही है बात अपने को, है ना। तो ये चीज अपने को क्या करनी पड़ती है, यूज कर लेनी पड़ती है। ठीक है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये एक चीज है बेटा हमारे लिए, है ना, टोटल मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन के लिए। सबको बात समझ आई है, बताओ मुझे, कोई परेशानी है किसी को तो बताओ बेटा। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है बेटा, बहुत शानदार। अब थोड़ी सी बात करते हैं बेटा, देखो जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में हमने बात कर ली ना यहाँ पे, कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है ना। जैसे यहाँ पर भी तुम देखो, इस जगह पे भी अगर तुम देखोगे बेटा ध्यान से, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है बताओ, सोचो ध्यान से, अगर सोचोगे तुम ध्यान से बेटा, तुम्हें पता है क्या महसूस होगा, तुम्हें महसूस होगा कि पहले पोटेंशियल एनर्जी MGH थी। अब पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या थी बेटा, MGH, और x जब ये h माइनस x नीचे गिर गया तो अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, MGX हो गई। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी घट गई, पोटेंशियल एनर्जी घट गई, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई बेटा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी घटी हम निकाल सकते हैं क्या, u फाइनल माइनस u इनिशियल करेंगे तो हम निकाल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितनी घटी। तो घटी कितनी बेटा पोटेंशियल एनर्जी बताओ, MGH माइनस MGX, MGH माइनस MGX पोटेंशियल एनर्जी घटी, और काइनेटिक एनर्जी हो कितनी गई, MGH माइनस MGX ही तो हो गई यार, देखो MGH माइनस MGX हुई ना। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, जितनी पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की कम हो रही है उतनी ज्यादा इसकी काइनेटिक एनर्जी हो रही है। कह सकते हैं ना हम कि बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो जब भी आप किसी बॉल को किसी हाइट से ड्रॉप करोगे ना बेटा, तो यही होगा कि जैसे जैसे वो नीचे आता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा, कम होती चली जाएगी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी और सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, है ना बेटा। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है, एक जरूरी चीज है हमारे लिए। तो ये होती है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये तो एक, तो और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में भी बात कर लिया। तो ये बेटा मिले जुले हैं दोनों, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन कंजर्वेशन ये सब एक तरह से मिलते हैं आपस में, है ना। तो कंजर्वेशन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन से ही हो सकता है, मतलब यहाँ सोचो कि पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ कम होगी ना बेटा, लेकिन कोई और फॉर्म ऑफ एनर्जी यहाँ बढ़ गई, तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज ही हो रही है ना, या फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है धीरे धीरे, है ना। तो इसे हम, ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का ही एग्जाम्पल है ना बेटा। आ जाओ आगे आ जाओ, देखो यहाँ देखो क्या कह रहे हैं अपने को, कि ये देखो एक स्विंगिंग सिंपल पेंडुलम जो है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एग्जाम्पल है ना। देखो कैसे, अगर आप किसी पेंडुलम की बात करोगे बेटा, तो वो जो स्विंग करता है वो किसकी वो है, किसका एग्जांपल है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, है ना। देखो कैसे, देखो कैसे, जैसे मान लो कि मैंने बोला तुम्हें कि एक ऐसे है पेंडुलम और एक यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब बेटा देखो पोजीशन तो पेंडुलम की अगर बात करूँ तो पोजीशन तो एक ही होगी इसकी, है ना। जैसे यहां से मैंने तुम्हें बता दिया, तो बीच में मैं कह रहा हूँ कि देखो ये मेरा पेंडुलम है ना, ये बेटा ये हमारा क्या है पेंडुलम, है ना। तो यहाँ पर एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी और यहाँ पर एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ हो क्या रहा है, जैसे मान लो कि आपने क्या करा कि ये आपके पास एक पेंडुलम है, आपने इसे ऊपर यहाँ ले गया और आपने छोड़ दिया, तो क्या होगा, ये ऐसे यहाँ नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर आएगा फिर नीचे आएगा ऊपर जाएगा नीचे आएगा ऊपर जाएगा, तो ये ऐसे ही होता रहेगा ना बेटा, जैसे घड़ी में होता है। हम जानते हैं पेंडुलम क्लॉक जो होते हैं उनमें ऐसे ही तो होता है यार, है ना। तो मतलब मैं कह सकता हूँ क्या बेटा कि बॉडी की एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, यहाँ पर अगर मैंने इसे थोड़ा यहाँ उठा दिया इधर, तो मैंने क्या किया सोचो, मैंने वर्क किया इसके ऊपर थोड़ा ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो वो क्या हो गया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, मतलब क्या बोलते हैं स्टोर हो गया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से इसे छोड़ दिया, तो छोड़ा तो क्या हुआ, ये नीचे आया, है ना। तो नीचे आया तो क्या हुआ बेटा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी फिर कम हो गई और यहाँ काइनेटिक एनर्जी में, फिर ये ऊपर गया फिर वापस से काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई, फिर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर रह गई, काइनेटिक एनर्जी जीरो, फिर वापस ये नीचे आ रहा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, और यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर फिर से वही पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, ठीक है बेटा। तो ये भी एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एग्जांपल है ना, ध्यान में रखना है अपने को, बाकी कुछ इतना खास है नहीं इसमें, ठीक है बेटा।
चलो आज अब सवाल करते हैं ये वाला। ये बेटा इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हो गया है, एक चीज बस बची है जिसे हम कहते हैं क्या बोलते हैं उसे यार, क्या नाम था उसका, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है ना बेटा, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी मैं पढ़ाऊंगा आपको अभी, पहले आ जाओ थोड़े सवाल करते हैं ना बेटा। तो ध्यान से देखो ये सवाल और चलो सॉल्व कर दो जल्दी से, मुझे सॉल्व करके बताओ। ठीक है बेटा कर दो जल्दी से बताओ ना, देखो क्या कह रहा है अपने को। अपने कह रहे हैं कि एक कार है जिसका वजन है 1200 kg और वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर जा रही है ना, तो मास कितना है कार का बेटा सबसे पहले तो, 1200 kg है ना, और क्या क्या दे रखा है अपने को बताओ। इनिशियल वेलोसिटी कितनी रखी है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और क्या कह रहा है, स्टॉप एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर रिटार्डिंग यूनिफॉर्मली, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है इसका रिटार्डेशन के समय 40 मीटर है ना। तो ये यू दे दिया अपने को, एस दे दिया। अच्छा हमसे कह रहे हैं कैलकुलेट द फोर्स एग्जर्टेड बाय द ब्रेक्स, भैया ब्रेक ने कितना फोर्स लगाया ये अपने को बताना है ना, कैसे बताएं बेटा, फाइनल वेलोसिटी क्या इसकी 0 हो गई होगी है ना। तो मैं कह देता हूँ कि लेट ए बी द एक्सेलरेशन, क्या मान लेता हूँ बेटा मैं कि ए जो है हमारा वो क्या है, एक्सेलरेशन है, ए स्मॉल ए जो है हमारा वो क्या है, एक्सेलरेशन है। अच्छा तो अब अगर मैं आपसे बोलूँ बेटा तो क्या लिखेंगे हम बताना, v²-u² = 2as, तो v कितना है 0, u कितना है 20, 20 का स्क्वायर कितना 400, इज इक्वल टू 2 into a into s कितना है बेटा 40, तो 40 से ये निपट के कितना बन गया 10, और ये 2 से निपट के कितना बन गया 5, तो a की वैल्यू कितनी आ गई भैया -5 m/s² है ना बेटा, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई -5 m/s², बहुत शानदार। अब अगर अपने को फोर्स बताना है बेटा तो फोर्स क्या होगा बताना, रिटार्डिंग फोर्स क्या होगा बताओ, क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है क्या, कितना होगा फोर्स बेटा बताओ मुझे, मास कितना है 1200 और ये कितना है -5 एक्सेलरेशन, तो ये हो कितना गया बेटा, देखो 6000 न्यूटन हो गया ना, 6000 न्यूटन हो गया। अब तुम एक चीज बताओ मुझे, -6000 न्यूटन का क्या मतलब हो सकता है बेटा, क्या मतलब होगा -6000 न्यूटन का, कि बॉडी जो है वो जा इस तरफ रही है और फोर्स इस तरफ लग रहा है ना, मतलब बॉडी की वेलोसिटी इधर है और फोर्स इधर है, ठीक है, मतलब ये यू आर नेगेटिव का, बिल्कुल बिल्कुल बेटा बहुत अच्छा। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, फोर्स हो गया। अच्छा अब अपने को क्या निकालना है, क्या कह रहा है अपने को, ऑल्सो कैलकुलेट द वर्क डन बाई द ब्रेक्स, वर्क डन निकालना है अपने को, तो वर्क डन क्या होता है बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ, फोर्स इधर लग रहा है बॉडी का, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है इधर, तो कितना होना चाहिए बताओ वर्क डन, -6000 × डिस्प्लेसमेंट है 40, कितना हो जाएगा बेटा ये 24 के ऊपर 1 2 3 4 0, इतना जूल ये हो जाएगा वर्क डन नेगेटिव में। नेगेटिव में क्यों, क्योंकि तो फोर्स कहीं और लग रहा है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो है वो कहीं और हो रहा है, तो वर्क डन जो होगा वो कितना हो जाएगा बेटा बताओ मुझे, -2.4 × 10⁵ जूल, ठीक है। इसे आप पता है क्या लिख सकते हो, 3 0 अगर हटा भी दो तो -240 किलो जूल भी लिख सकते हो, ठीक है बेटा, समझ आ गई बात सबको बताओ मुझे, सबको ये बात समझ आ गई है, आसान सवाल है बेटा, कुछ है नहीं खास क्रांतिकारी। देखो यहाँ देखो अगला सवाल, ठीक है बेटा कर दो सॉल्व जल्दी सॉल्व कर दो। हमें क्या कह रहा है बेटा कि एक हॉर्स है जो 800 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और जो कार्ट को 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला पा रहा है, हमसे पूछ रहा है पावर बताइए, पावर क्या होता है बेटा, हम जानते हैं वर्क डन अपॉन टाइम टेकन है ना, वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है बेटा, वेलोसिटी होती है क्या, तो पावर को हम क्या फोर्स इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं बताओ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फोर्स कितना है बताओ यहाँ, 8800 और वेलोसिटी कितनी है 20, कितना हो गया ये बताओ मुझे, 16000 वॉट, 16000 वॉट हो गया ना बेटा, हुआ या नहीं हुआ बताओ, 16000 वॉट हो गया, हो गया, यही आंसर है, देखो कितना छोटा सोल्यूशन था यार इसका है ना। अगला सवाल, कर दो बेटा सॉल्व कर दो ये वाला, क्या कह रहा है पहला सवाल हमारा क्या है, एक लड़का है जो अपने और अ बॉय कीप्स ऑन हिज पाम अ मास ऑफ 0.5 kg है ना, कह रहा है ही लिफ्ट द पाम वर्टिकली बाय डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन,
वर्क डन कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर, अगर मैं हाथ में लेके ऊपर करता हूँ तो वर्क डन कितना होगा, MGH कितना, 0.5, G कितना है 9.8 और H कितना है 2.5, कितना हो जाएगा ये बताओ मुझे, 2.45 जूल, है ना, कैलकुलेट कर ले रहा बेटा, आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये देखो ये वाला सवाल, एक ट्रक है जिसका मास 2500 kg है, स्टोर्ड बाय अ फोर्स ऑफ इतना, है ना, तो फोर्स कितना हो गया इस केस में बताओ मुझे, 1000 न्यूटन, है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा, 320 न्यूटन। हमसे क्या पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो वर्क डन कितना होगा बताओ मुझे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बोलो बेटा वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हाँ क्या बोला हमने, वर्क डन जो होता है वो क्या होता है बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो कितना होगा बताओ मुझे, 1000 × 320 कितना हो जाएगा बेटा ये वर्क डन, 3200000 इतना जूल, मतलब कितना बेटा, 320 किलो जूल, है ना, क्योंकि अपने को पता है कि 1 किलो जूल जो होता है बेटा वो किसके बराबर होता है, 1000 जूल के, किसके बराबर होता है, 1000 जूल। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास आ गया वर्क डन। ओके ये सवाल देखो बेटा, इसमें क्या कह रहा है अपने को कि दो बॉडी जो है जिसका मास इक्वल है मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी एंड थ्री वी रेस्पेक्टिवली, रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, मतलब अगर मैं ये दोनों बॉडी का के वन जो है वो कितना है बेटा, ऐसे लिख लेता हूँ, वी टू जो है वो कितना है बेटा, 3V, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, के वन कितना, ½ mv1² और के टू कितना होगा बेटा, ½ mv2², अपने को रेशियो बताना है ना, तो रेशियो क्या होगा बताओ, कौन सा रेशियो बताना है बेटा, K1/K2 बताना है ना अपने को, क्या होगा बताओ मुझे, ½mv1² / ½mv2², ½m कट गया ऊपर नीचे दोनों से, क्या बचा, v1² / v2², v1 की वैल्यू पुट करो क्या, ये v² / 3v² कितना होगा बेटा, 9v², v² फिर से निपट गया, क्या बना बेटा हमारे पास रेशियो, 1/9, है ना, मतलब अगर आप रेशियो की बात करोगे तो कितना हो जाएगा, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज,
रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटा, 1:9। ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा देखो बेटा, एक आखिरी चीज अपनी जो बची थी वो हम एक बार कंप्लीट कर लेते हैं ना, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या होती है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी? ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो बेटा, जो हमारे घरों में जो बिजली आती है बेटा, वो हमें जो बिजली का बिल देना पड़ता है वो कैसे देना पड़ता है, यूनिट के हिसाब से देना पड़ता है ना। वन यूनिट जो होती है उसी के हिसाब से अपने को बिजली का बिल देना पड़ता है। तो हम इसी कमर्शियल एक यूनिट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो बेटा, एक यूनिट जो होती है ना वो 1 किलोवाट आवर के बारे में बात होता है, 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। अच्छा ठीक है, एक बात तो बेटा मुझे कि किलोवाट आवर जो है वो किसकी यूनिट है, किसकी यूनिट है किलोवाट आवर बेटा? तो हम ये कहते हैं कि एनर्जी की यूनिट है। कैसे कैसे एनर्जी की यूनिट है? किलोवाट किसकी यूनिट है बेटा? पावर की। और आवर किसकी यूनिट है? टाइम का। तो पावर इंटू टाइम, हम क्या जानते हैं, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन इज इक्वल टू क्या, पावर। तो वर्क डन कितना हो गया बेटा? पावर इंटू टाइम। तो पावर इंटू टाइम का क्या मतलब हुआ? वर्क डन। और वर्क डन और एनर्जी रिलेटेड है क्या बेटा? हम जानते हैं ना वर्क डन और एनर्जी जो होते हैं वो क्या है, आपस में रिलेटेड है, हम जानते हैं ये बात है ना। तो किलोवाट इंटू आवर किसकी यूनिट हो गई बेटा? वर्क की। और ये किसकी यूनिट हो गई? एनर्जी की, है ना। एनर्जी की यूनिट होती है बेटा किलोवाट आवर। तो हमसे कहा जाता है कि बताओ 1 किलोवाट आवर किसके बाद कितना होगा, 1 किलोवाट आवर जो है वो कितना होगा। तो हम कहते हैं यार कि ठीक है, अब थोड़ी कमर्शियल यूनिट के बारे में बात करते हैं ना, कि जो 1 यूनिट है वो 1 किलोवाट आवर है, तो ये कितनी एनर्जी होगी। किलोवाट आवर तो हम ऐसी कोई यूनिट नहीं है जो हम बहुत ज्यादा जानते हो या बहुत ज्यादा यूज करते हो, है ना। तो हमें इसके बारे में जानना जरूरी है थोड़ा सा। तो 1 किलोवाट आवर के बारे में बात करते हैं बेटा। देखो 1 किलोवाट आवर हम कहते हैं कि किसके बराबर है, ये 1 किलोवाट इंटू 1 आवर के, है ना। तो अगर मैं इसे एसआई यूनिट में चेंज करना चाहूँ, एसआई यूनिट तो है नहीं, है क्या ऐसा यूनिट? पावर की क्या है बेटा, वॉट है या किलो वॉट है? वॉट है। तो फिर इसे ऐसा यूनिट में चेंज करते हैं पहले। तो ऐसा यूनिट में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा बताओ मुझे, 1000 वॉट, 1 किलोवाट 1000 वॉट। और आवर को अगर हम सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा बेटा बताओ मुझे, बताओ क्या बनेगा, 1 आवर 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। तो इतना सेकेंड बन गया ये, तो कितना बन जाएगा अभी बताओ। देखो 3 0 1 4 0 5 0 5 0 हो गया ना। हाँ बिल्कुल सही बेटा, बहुत अच्छे सूरज बेटा, वेरी गुड। तो ये 5 5 0 बन गए और यहाँ 36, तो मैं क्या लिखूँ, 3 6 1 2 3 4 5, इतना वॉट सेकंड। और वॉट सेकंड किसके बराबर होता है बेटा, हम जानते हैं वॉट जो है वो पावर कैसा यूनिट, और सेकंड जो है किसके ऐसा यूनिट बेटा, टाइम की। तो ये क्या हो गई, एनर्जी की ऐसा यूनिट। तो मतलब क्या मैं इसे जूल लिख सकता हूँ, है ना, 3 6 के बाद 5 0, इतना जूल। तो इसे हम पता है क्या लिख सकते हैं बेटा, 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है, या फिर आप इसे 3600 किलो जूल भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसे ऐसे लिखते हैं ना, 3.6 × 10⁶ जूल, ऐसे लिखते हैं। ठीक है बेटा, तो अब थोड़ी सी बात कर ले, देखो 1 यूनिट के बारे में। तो जो 1 कमर्शियल यूनिट होती है ना, जो 1 कमर्शियल यूनिट होती है बेटा वो किसके बराबर होती है पता है आपको, 1 कमर्शियल यूनिट होती है 1 किलोवाट आवर के बराबर, है ना, जो अभी हमने तुरंत बात करी। और 1 किलोवाट आवर जो है वो किसके बराबर हुई, 1 किलोवाट आवर अभी तुरंत तो आया, देखो यहाँ ऊपर 3.6 × 10⁶ जूल्स के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि जो 1 कमर्शियल यूनिट होती है बेटा, 1 कमर्शियल यूनिट जो होती है वो कितने जूल्स के बराबर होती है, 3.6 × 10⁶ जूल्स के। ठीक है बेटा, ये भी एक चीज है जो अपने को ध्यान में रख लेंगे हम तो हमारा काम आसान होगा थोड़ा, है ना। तो जो 1 कमर्शियल यूनिट है बेटा वो कितने जूल्स के बराबर है, 3.6 × 10⁶ जूल्स। ठीक है बेटा, समझ आ गई बात अपने को या नहीं है बताओ मुझे, बिल्कुल आ गई, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, ये 1 कमर्शियल यूनिट हो गया। और इसी के साथ अपना चैप्टर बेटा क्या हुआ, निपट गया, है ना, ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। ठीक है, पूरा चैप्टर समझ आया बेटा बताओ, किसी को कोई परेशानी हुई है तो बताओ मुझे, पूरा समझ आया, बहुत अच्छे, वेरी गुड, है ना।